हाँ तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अभी हम जा रहे हैं लोवरदीप, हमारा दोस्त है बचपन का ताहिर, उसकी शादी थी तो वो अटेंड करने जा रहे हैं। कल उसकी बारात है और परसों उसका वलीमा वगैरह, तो वो अटेंड करने हम जा रहे हैं लोवरदीप। तो मेरे साथ सोहेल है, फहद, अली हसन, सलीम और हमजा बशीर, हम छः बंदे जा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया था कहीं घूमे नहीं थे, तो इस बार हम घूम फिर के आएंगे। तो भैया हम अभी पहुँचे कलर का, यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद अभी हम दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और बस यहाँ से पहाड़। सोहेल पहाड़ भैया, हम अभी 26 नंबर पर उतरे। हम आगे फैज़ाबाद नहीं गए थे क्योंकि फैज़ाबाद से जो हमारी देमड़गारा की कोचें थी वो बहुत लेट मिलती और यहाँ से हर आधे घंटे के बाद जाती है, तो 26 नंबर पर उतरना हमारे लिए बेस्ट है। तो बस हम यहीं से अभी देमड़गारा की कोच पकड़ेंगे। ऐसे मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत बहुत नापसंद आई, पता है क्या? वो ये कि ये इतना साफ़ सुथरा शहर है इस्लामाबाद, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना ऐसे माहौल में रहने की। जब तक डहरकी के रोडों की मिट्टी हमारे मुंह पे ना आए और हमारा चेहरा नेचुरल ब्यूटी से साफ ना हो जाए, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, और जब तक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हमारे कानों तक ना आए ना, तो मतलब तब तक हमारी सुबह नहीं होती। तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे। Try to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. तो भैया बात कुछ ऐसी है कि हमने कल रात से कुछ नहीं खाया था और आज नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी हम लोवरदीप जाने से पहले हम अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो गाड़ी में बैठ के फिर आपसे बाद में मुखातिब होंगे इंशाल्लाह नाश्ता करके। ये हमारा रावलपिंडी से देमड़गारा तक का जो सफ़र होगा वो हाई रूप में होगा और ये कोई ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे का सफ़र है, तो इंशाल्लाह नज़ारे ही नज़ारे देखेंगे। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अभी हम पहुंचे हैं देमड़गारा और यहां से अभी हम जाएंगे मैदान। ये हमारा फर्स्ट टाइम कोई लोकल सफ़र कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो अच्छा था, मतलब पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ऐसा कोई बुरा नहीं रहा, अच्छा रहे। और अभी हम यहाँ से जाएँगे मैदान। The build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. मैं जा रहा हूं बाजार क्योंकि मुझे कैप लेनी है। मैं अपनी कैप कराची में भूल आया था और यहां पे बहुत गर्मी है, फिलहाल तो गर्मी है तो कैप लाजमी है। और देखेंगे अगर चश्मा वगैरह अच्छा कोई मिल गया तो वो भी ले लें, मैंने भी लेना है, फाद को भी लेना है चश्मा। तो चलते हैं कहीं दुकान देख लेते हैं, बताएं। यहाँ ये देमड़गारा है ना, देमड़गारा अड्डा है, ये हमारा होटल है, ये मेहमान आए हैं इधर टिक टॉक वीडियो बनाने के लिए, वो बता के ज़बरदस्त शो किया है, और कुछ बता दे अभी। और ये भी बताएं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये हमारा छोटा सा कारोबार है ना, बिजनेस है, देमड़गारा अड्डे में होटल है, हम इधर अपने गरीब काम करते हैं, वीडियो बनाएगा। Such a disgrace, I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way.
stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Chashma bhi le liya, cap bhi le li, aur ab hum jayenge शेक लेंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे मैदान, आई मीन दोस्त के घर, फिर हमारा सफर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो भैया हमारा सामान रेडी हो गया और बस अब हम चलेंगे। सोहेल का सिर्फ चश्मा लेना था तो वो दोबारा गए चश्मा वाली दुकान पे सोहेल का चश्मा लेने, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हमजा भाई से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि हम दोपहर को 2:30 बजे तक हम पहुंच गए थे, क्या नाम है, ताहिर वालों के गांव। तो उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़ के खाना वाना खाया और अब हम जा रहे थोड़ा शहर पर, थोड़ा नीचे वाली साइड, तो ऐसे ही चक्कर पर क्योंकि यहाँ की हरियाली बार बार देखने को थोड़ी ना मिलती है, तो बस वही देखने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो भैया बड़ा ही इंतहा का प्यारा मौसम हो रहा है और बादल ऊपर सर पर मंडरा रहे हैं, आई थिंक बारिश के इम्कान है। तो अगर बारिश हो गया ना तो क्या ही बात हो जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगा। और इस बहाने थोड़ा बारिश में नहा भी लेंगे क्योंकि बड़ा अरसा हो गया डर की मैं बारिश नहीं देखी, तो यहाँ पर बारिश के साथ नहाने का मज़ा अपना एक अलग ही है, तो वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो भैया अभी हम जा रहे हैं वापस अपने बैठक में और उसके बाद थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे और टायर की एक्चुअली बारात आनी है, तो फिर वो टायर मसरूफ हो जाएगा अपनी बारात में और हम थोड़ा आराम कर लेंगे तब तक, तो फिर मिलते हैं बाद में। और मैं जो 2 दिन रहूँगा लोअर दिन में, तो मैं हर दिन के हिसाब से एक ब्लॉग बनाऊँगा, तो 2 दिन 2 ब्लॉग्स। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी है कि कल जहाँ पर मैं व्लॉग छोड़ के गया था, सोचा था कि वहीं से शायद को रात को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन रात को कंटिन्यू नहीं कर पाया था, थोड़ी सी थकन थी क्योंकि 24 घंटे से नींद नहीं की थी, और मतलब हल्की फुल्की नींद की थी जो रास्ते में हो जाती है, बस वही नींद की थी, तो इस वजह से थकन भी था और यहाँ पर थोड़ा लाइट का भी इशू था, तो इस वजह से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज ताहिर का वलीमा है, तो आज वलीमा खाकर हम दोपहर को निकल जाएंगे सवात के लिए। वैसे हमारा प्रोग्राम था कुमराड़ का, लेकिन कुमराड़ का कैंसिल करके हमने प्रोग्राम बनाया है सवात का। सवात में काला मिंगोरा वगैरह मतलब जो जो जगहें होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग आज वलीमा खाकर एंड करेंगे,
बाकी फिर बातें बाद में करेंगे भाई। बाकी बातें अपनी जगह, मैंने आपको एक अजीम शख्सियत से तो मिलाया नहीं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे, हमारे प्यारे ताहिर जो हमारे बचपन के क्लास फेलो थे। हाँ लाला संगे जोड़े बखैर है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे दुल्हे मियाँ साहब, इनकी कल शादी थी आज वली में और हम इसकी वजह से इतना दूर आए हैं इनकी कज़न। तो मैं ये कह रहा था कि ताहिर आपको कैसा लग रहा है शादी करने के बाद, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पहले अल्लाह पाक में जो है वो ताहिर को बहुत बहुत मुबारकबाद शादी की हमारी तरफ से भी, सबकी तरफ से खैर मुबारक, और जो जो नहीं आ सके उनकी तरफ से भी। और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि नर्वस फील हुआ था कल जब तुम्हारा निकाह पढ़ा जा रहा था? यार नर्वस तो था मैं बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड भी था। हाँ। तो दोनों फीलिंग हो गया, निकाह तो हो गया लेकिन ये कि बारात कल थी, बारात थी कल तो। अच्छा तो जब निकाह पढ़ा गया था तब कैसा फील हो रहा था? तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। कल जब बारात आई फाइनली, कल भी एक्साइटेड था लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा था। तो अब कैसा हो रहा है फील? अभी बड़ा अच्छा फील हो रहा है। दाल खाने वाने में मजा है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये बस हमारे साथ, तो ये हमारे भाई, ये हमारे भाई मतलब कभी नहीं सुधरेंगे, शादी के बाद भी नहीं सुधरेंगे। हम अच्छा वो बंदा है जो हर किसी के पास जाता है तो उससे पहले ये सोचेगा बरा देंगे, बरा देंगे। बड़ा नॉन सीरियस बंदा है यार ये, नहीं सुधरेगा ये। तो हमारे ये सारे जो दोस्त हैं बचपन के, ये कोई भी बंदा सीरियस नहीं है, मतलब नॉन सीरियस बंदे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वलीमे वाली जगह पर, तो वहाँ पे चलते मिलते हैं। तो भैया वलीमा अटेंड कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस बैठक में और अभी कलाम की तैयारी करेंगे, बैग वगैरह पैक करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे कलाम के लिए। तो फिर ये व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में जो कि होगा कलाम का इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।